फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य फन क्रिएटिविटी। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का मॉर्निंग में अभी सुबह का 6 बजे है, तो आप लोगों को मैं अपने गार्डन में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो मॉर्निंग में मेरा गार्डन इस तरह से दिखता है, अभी बिल्कुल भी सनरेज नहीं आई है, तो बहुत ही अभी जो मैं शूट कर रही हूँ वो ज्यादा क्लियर नहीं होगी मे बी, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली क्रिएट कर रही हूँ कि अभी जो हमारे ये रेनी डेज चल रहे हैं, तो इन दिनों मेरे गार्डन में जो प्लांट्स है वो बहुत ही हाइट हो गई है और कुछ की तो बहुत डी शेप हो गई है। तो आज मैंने कुछ एक प्लांट्स को चॉइस किया है करके कि मैं उनकी आज सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूं और आप लोग के साथ शेयर करूं कि किस तरह से मैं अपने प्लांट्स के ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूं। जैसे कि आप लोग को पता है कि इन दिनों रेनी सीजन में अगर हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर देते हैं ऊपर से, तो वो बहुत ही अच्छा उनकी लुक हो जाती है। जैसे कि अगर हम कोई भी प्लांट की एक स्टेम के ऊपर से प्रून करते हैं, तो वहां पर उस स्टेम के पास में ही 2 या 3 स्टेम्स न्यूली और निकल जाते हैं। तो जितना हम उनके प्लांट्स की प्रून करेंगे, तो उतना ही हमारा प्लांट बहुत ही सुंदर लुक देगा और बुशी शेप हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने अपने गार्डन में साफ सफाई भी की आज, तो सुबह का तो मेरा डेली यही वर्क रहता है कि जहाँ जहाँ पर सूखे पत्तियाँ गिरी हुई है उनको साफ करना और साथ ही साथ कुछ एडजस्ट करना, प्लांट्स को इधर उधर हिलाते रहना। ये तो मेरी बहुत बुरी आदत है क्योंकि मैं गमलों को इधर उधर हिलाती रहती हूँ ताकि थोड़ा कुछ डिफरेंट लुक आता रहे मेरे गार्डन में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा गोल्डन अरेलिया का प्लांट है, ये काफी पुराना हो गया है, 2 साल से ऊपर हो गया, मुझे टाइम ठीक से याद नहीं है और आप लोग को मैं शो करती भी रहती हूँ। तो आज मैं इस ये जो गोल्डन अरेलिया का प्लांट है इसकी मैं कटिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो सुंदरता होती है वो बॉल शेप के लिए ही हम लेते हैं। जब इसकी शेप खराब होने लगी तो फिर हमें जल्दी से जल्दी इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, और ये बेस्ट सीजन है ये रेनी सीजन। जितना हम जल्दी इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे, बस साल में एक बार नहीं, जब जितना हम इसको प्रून करते रहेंगे उसकी और सुंदर शेप आती रहेगी और इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट ये स्टेम्स भी आते रहेंगे और ऊपर से न्यू इसकी ग्रोथ भी होती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसकी जो सुंदरता होती है इसकी बॉल शेप के कारण ही होती है। तो जब भी आपको लगे इसकी शेप खराब हो रही है तो इसको प्रून कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं ऊपर से ये जो हल्की हल्की जो ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही है इनको मैं धीरे धीरे काटती जाऊंगी। तो काटना बहुत ही इजी है, बस आप लोग देख लीजिए जहां से काटना है, आप थोड़ा दूर होके देख लेना करके कि इसकी शेप कहाँ से खराब लग रही है। तो जहां जहां काटते रहेंगे और भी उसकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी और ज्यादा बुश होते रहेगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं हर समय इसे टाइम टू टाइम काटती रहती हूँ। देखिए, जैसे कि यहां से इसकी शेप खराब हो रही है, तो आप यहां से इसको काट सकते हैं ऐसे, बहुत ही इजी है। तो आप लोग भी ऐसे प्रून करते रहिए, और बेस्ट है अगर आप रेनी सीजन में आप इनकी कटिंग करते रहेंगे तो फिर और भी अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहेगी और इसकी शेप भी खराब नहीं रहेगी। तो आप लोग बने रहिए, मैं इनको काटती रहती हूँ। प्लांट को मैं फ्रेंड्स नर्सरी में बहुत छोटी इसकी प्लांट थी तब लेकर आई थी, तो अभी देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी है। बस बहुत लोगों की शिकायत होती है करके कि उनकी जो अरेलिया के प्लांट है वो बच नहीं पाते हैं, तो उसका मेन कारण है, मैंने अपने दोनों वीडियो में बहुत ही अच्छी डिटेल में दे रखी है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे ये प्ले लिस्ट से आप लोग चेक कर लेना करके कि किस तरह से हम उसकी केयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट होता है इसकी ब्यूटी होती है, तो इसको आप इंडोर में भी रख सकते हैं और इसको वहां प्लेस करिए जहां पे शेमी शेड एरिया हो, बिल्कुल भी धूप में ना रखिए, और ये गलती सबसे होती है। तो ये हमारा ये तो इंडोर प्लांट में ही गिना जाता है, बहुत ही सुंदर है देखने में, तो इसको हमें शेप करते रहने चाहिए। और विशेष आप लोग इसका पानी का ख्याल रखना है, कभी भी उसकी ये जो हमारा ये गोल्डन अरेलिया है उसकी रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो रूट रॉटिंग किस लिए होती है, ओवर वाटरिंग के कारण, और जब भी इसको ग्रो करे तो उसकी जो ये सॉइल मीडिया बनाए वो एकदम भी वेलरिंग सॉइल बनाए,
बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका उसमें थोड़ा सा भी पानी रुक गया तो आपके इसमें रूट रॉट हो जाएंगी बहुत जल्दी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है करके कि पानी भी देना है, उसकी सॉइल को हर समय मॉइस्ट करके रखना है, कभी भी ड्राई नहीं रहने देना है। एक तो ड्राई नहीं होने देना है और एकदम सॉगी भी नहीं करना है पानी दे के, तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव होगा। और इसकी लोकेशन है डायरेक्ट सनलाइट, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये जो ऊपर से गोल्डन दिखता है यही बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे देखिए ये बॉल शेप में आ रहा है। अगर आप बॉल शेप में नहीं भी करना चाहते हैं तो फिर आप उसको और एक ट्री का शेप में भी दे सकते हैं। ट्री होता है ना, कहीं से ब्रांच ज्यादा साइड में जा रही है, कहीं से शॉर्ट जा रही है, उस तरह भी आप लोग उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और वाटरिंग का मैंने बता दिया। प्रूनिंग करते करते मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा इसकी मतलब टिप्स भी बताती रहूंगी कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए इसको, डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो सेमी शेड अगर आप हो सकते हैं तो मॉर्निंग की 2 आवर्स इसको सॉफ्ट सनलाइट दे दीजिए तो बहुत ही इसकी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और खाद, इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ, तो जो हमारे खासकर इंडोर प्लांट होते हैं और विशेष ये एरेलिया का प्लांट, इसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर ना डालिए। तो आप डाल भी सकते हैं, बट मैं जो अपनी केयरिंग करती हूँ इन प्लांट्स की, तो इनको मैं केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं डालती। तो आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और बहुत ही स्लो रिलीजिंग, जिसमें बहुत ही धीरे धीरे उसको एनर्जी मिलती है, उस ऐसे फर्टिलाइजर को आप दीजिए। फास्ट रिलीजिंग फर्टिलाइजर तो गलती से भी ना दीजिए, और इसे स्लो रिलीज वाला फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा होता है। तो वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए, और कभी कभी ऊपर से मिस्टिंग करते रहिए, नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी मिलीबग्स के भी अटैक हो जाते हैं। तो ये सब इसकी केयरिंग है, इसको तो मैंने कर दिया है। अभी दूसरा ये वाला छोटा है, ये भी मेरा 1 साल ही हुआ होगा इसको जो मैं लेकर आई थी, मगर 1 साल हो गया है। देखिए बीच बीच में इसके सूखे पत्तियां भी होती है। एक और केयरिंग है, इसको आप ऐसे झाड़ते रहिए तो सारे इसके सूखे पत्तियां नीचे आ जाएगी। देखिए ये भी डी शेप हो गया है, तो मैं इसकी भी कटिंग कर रही हूँ। अगर हम इसकी प्रून नहीं करेंगे तो बहुत ही खराब लगेगा, क्योंकि ये जो गोल्डन एरेलिया है, अगर हम इसको बॉल शेप में रखते हैं तभी अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने इन दोनों की प्रूनिंग कर दी है, तो देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना सुंदर शेप हो गया। पहले बहुत ही डी शेप हो रहा था, और अभी देखिए कितना डिफरेंस हो गया है पहले की और अभी। और ये साथ में ये छोटे वाले की भी मैंने कर दी है, इसकी मैंने ज्यादा नहीं की है क्योंकि अभी ज्यादा घना नहीं हुआ है। अब देखिए आप देखते हैं इन डेज में जैसे ही मैंने प्रूनिंग की है, 1 वीक में इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ जाएगी और पूरा और भी ज्यादा बुशी हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग भी अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि ये बेस्ट सीजन है, देर ना करिए। अगर आप ये रेनी सीजन के बाद करेंगे तो फिर आपका ये प्लांट्स में न्यू ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए टाइम से इनको प्रून करना बहुत जरूरी है। तो इतना ही आप लोगों को ये बताना था इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताइए कमेंट के थ्रू, और शेयर करना ना भूलिए, लाइक्स तो जरूर दीजिए। और मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में और कुछ नए नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।